उत्तरीकरण मानव होता है या भी पूर्व। अब जो है सिद्धांतिक फल देना चाहता है, अभी तक जो आपने चार अधिकरण पढ़े हैं उन चार अधिकरणों का फल क्या है, उसमें भी पहला अधिकरण का विशेष रूप से कथन करना चाहूंगा। उसने संक्षिप्त छोटा सा अधिकरण है यहाँ पर जो प्रसंग संगत्या विचार कर रहे हैं कि भाई स्वतंत्र रूप प्रमेय का तीन अधिकरणों में विचार हुआ, उसी का दृढ़ीकरण करने के लिए अब क्या करने जा रहे हैं, आद्य अधिकरण में जो कहा था पुरुषार्थ होता है शब्दा, उसी को यहाँ पर अतएव इत्यादि से फल कथन करने जा रहे हैं। अतएव च अग्निंदनाद्यन अपेक्षा, यहाँ पर अनपेक्षा का कथन करने के लिए फल की अधिक की विवक्षा वास्तव में है या नहीं इस पर विचार करना चाहते हैं। पूर्व में जो निर्णय दिया उसी का फल कथन का द्वारा उसको दृढ़ करना है, इतने मात्र यहाँ पर प्रसंग है, इसलिए आक्षेप नहीं है कुछ नहीं है। प्रसंग वैसंगति से आरंभ होता है, देखिए भाष्य का अधिकरण सार अग्निंद्राद्य अधिकरण मात्र बोध फले कर्मापेक्षो नो वा ही अपेक्षते अंगिनोंगेश्वपेक्षाया प्रयाजादिषु दर्शनात् अविद्या तमसोर्ध्वस्थ दृष्टम विज्ञान दीपयो हो नैरपेक्षं तत्रापि विद्या कर्म अनपेक्षणी। आत्मज्ञान कर्म सापेक्ष है या नहीं, तो यही तो पहला अधिकरण शुरुआत था, कर्म सापेक्ष है वो कह रहा था बार बार। तो चलो विद्या और फल दो बात यहाँ पर आरंभ कर विचार करने के लिए सुविधा के लिए समझा रहा हूँ, तो यहाँ से लेन देन नहीं है, अलग से समझो ताकि आगे अधिकरण के साथ भी संबंध बैठ जाएगा। कर्म फलोत्पत्ति में सहयोगी है या विद्योत्पत्ति में सहयोगी है, यह प्रश्न कहा जाए वेदांत की तरफ से। बार बार वो क्या रट रहा है, कर्म सापेक्ष होकर के, पहले तो था ज्ञान सापेक्ष कर्म ही मोक्ष देता है, उसका तो खंडन कर दिया। तो कोई बात नहीं, ज्ञान से मोक्ष मानो आप, पूर्व पक्ष कहता है आप ज्ञान से मोक्ष मानिए हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, कर्म की सहायता से ज्ञान मोक्ष देगा। लेकिन कर्म की सहायता की दिशा मोक्षोत्पत्ति में ज्ञान का उपयोगी है या ज्ञानोत्पत्ति में ज्ञान को सहयोग देता है, कर्म सप्ताह पक्ष में खंडन करना है। मोक्षोत्पत्ति में ज्ञान को किसी की अपेक्षा नहीं है, ज्ञानाद एव कगर सर्व्यावर्तन कर दिया साधनों की, ज्ञानाद एव तो कई बल, इसीलिए वहां तक कोई अपेक्षा ही नहीं। और पहले भी बोल चुके ज्ञान का स्वभाव ही वस्तु का बोध करा, अन्य अपेक्षा नहीं होता है। इसीलिए विद्या की उत्पत्ति में, ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म को सहयोग मानना पड़े, यज्ञ दान क्या अगला अधिकरण उसको सिद्ध करेंगे। तो यहां सिद्ध करना चाहेंगे पहले कर्म की तो अपेक्षा है ही नहीं, सीधा बोल देंगे, फिर कहेंगे विद्या उत्पत्ति मात्र में हम सहयोग मान मोक्ष में नहीं। इसे दो अधिकरणों में पूर्व में कथित बातों को और मजबूत करने के लिए कि कर्म के ज्ञान के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं, पहले कर्म के लिए कर्म संयुक्त ज्ञान मोक्ष देता है उसका खंडन कर दिया, कर्म निरपेक्ष ज्ञान से मोक्ष हो सकता है सिद्ध कर चुके हैं, और उसको और विदृढ़ करते हैं बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ता। क्यों कहते देखो आत्मबोध फले कर्मापेक्षो नो वा, आत्मबोध रूपी फलोत्पत्ति में, आत्मबोध फले आत्मज्ञान रूपी फलोत्पत्ति में कर्म अपेक्षा है या नहीं है, या विसर्ग नहीं होना चाहिए बीच में, विसर्ग नहीं होना चाहिए, विसर्ग को काटो। आत्मबोध फले एक पद है वो, आत्मबोध फले कर्मापेक्षो नो वा, आत्मज्ञान का फल में सीधा मिले जाना है। मैं पहले कहा था फल में पहले चर्चा करेंगे फिर उत्पत्ति में स्वीकार करेंगे, फलोत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा है नहीं है अथवा है, पूर्व पक्ष है बोलेगा सिद्धांति नहीं बोलेगा, अपेक्षक है पूर्व पक्ष कहता है अपेक्षक है, आत्मज्ञान का फलभूत मोक्षोत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा है। क्यों अंगिनो अंगेशु अपेक्षाया, अंगी में अंगों के जिस प्रकार की अपेक्षा मानी गई है, जैसे प्रयाज आदि याग जो है अंगीभूत दश पूर्णमास में उपयोगी है, तद्वत यहाँ पर भी स्वर्गोत्पत्ति के लिए, तद्वत आत्मज्ञान भी कर्म की सहायता को लेकर के ही अपना फल होता कौन
मोक्ष को उत्पन्न करेगा। इसे दर्श पूर्णमास जो है प्रयाज आदि अंगों की सहायता से ही स्वर को पैदा करता है। अजय ज्ञान भी जो है मोक्षोत्पत्ति में कर्म की सहायता जरूर लेगा, अंग अंग के भाव के समान। इसलिए कहने का मतलब कर्म को ज्ञान का अंग मानिए। पहला था ये कर्म का अंग ज्ञान करो, उसे खंडन कर दिया और उल्टा भी नहीं हो सकता है, ज्ञान का अंग कर्म भी नहीं होगा फलोत्पत्ति दृष्टि से, ज्ञानोत्पत्ति दृष्टि से नहीं। प्रयाजेश दर्शनार्थ अविद्या तमसोर्धस्तो, कहते नहीं भाई क्योंकि अविद्या भी नहीं रह गया, अतएव अज्ञान नाम की माया नहीं रहेगी, तो अज्ञान आदि जो वृष्टि हो भी नहीं रहेगा। इसे दृष्टम ज्ञान दीपयो, अविद्या की ध्वस्ती ज्ञान से, यथा दृष्टान्त तमह की ध्वस्ती दीप से, दीपक से। दृष्टान्त आतंक एक साथ श्लोक में स्पष्ट कर दिया, अविद्या का नाश जो है ज्ञान से देखा जाता है। वो जिस प्रकार दृष्टान दिया अंधकार का ज्ञान नाश दीपक से होता है, अतएव ततः अत्रापि कर्म अनपेक्षिणी विद्या। इसलिए यहाँ पर भी नैरपेक्ष पूर्व जोड़ दो ज्ञान दीपक के साथ, जैसा दीपक अन्य की सहायता के बिना तमा का नाश कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अन्य की नैरपेक्षम सन अविद्या ध्वस्ती। अतः इसलिए अत्रापि यहाँ पर भी ब्रह्मविद्या के मामले जैसे लौकिक ज्ञान होता है, वैसे ब्रह्मविद्या के माध्यम में भी कर्म अनपेक्षिणी कर्म की अपेक्षा के बिना विद्या मोक्ष में फल को उत्पन्न कर देगी। भाष्य पुरुषार्थ अतः शब्दात व्यवहितम अपनी संभवात अतः इति परामर्श, यद्यपि व्यवहित है ना तीन चार एक में था पहला अधिकरण, उसी का फल कथन करता हुआ एक तरह से यहाँ संपादन कर रहे हैं। व्यवहितम अपनी संभवात उसके साथ जोड़ना प्रसंग कर देना संभव था दृढ़करण करने के लिए, अतः इत्यादि के द्वारा उसको परामर्श कर दिया। मैंने पुरुषार्थत्वादेव विद्या का फल मुख्य फल परम पुरुषार्थ मोक्ष होने के कारण से क्या होगा इत्यतम संभवात अतः के द्वारा उसको परामर्श करके जोड़ दिया। अतएव च विद्यायाः मैने पुरुषार्थ हेतुत्वादेव, अतएव मैने विद्या जो है पुरुषार्थ का साधन होने से ऐसे प्रथम सूत्र के साथ जोड़ देना प्रतिपादकरण पाद का होने से अग्नि इंधनादीनि आश्रम कर्माणि विद्या स्वार्थ सिद्धौ नापेक्षितव्यानि। अग्नि इंधनादि जो आश्रम कर्म है, आश्रम कर्म है वर्णाश्रम कर्म जो व्यवस्था है, वे जो कर्म कांड है विद्या के अपने स्वार्थ सिद्धि में, वो अपने स्वार्थ क्या है अपनी सिद्धि में नहीं स्वसिद्धौ नहीं बोल रहे हैं, स्वस्य प्रयोजन मित स्वार्थम, स्व का प्रयोजन क्या पुरुषार्थ मोक्ष उसकी सिद्धि में अपेक्षा नहीं, विद्या के स्वर और स्वरूप की सिद्धि में अपेक्षा है। अगला अधिकरण में सिद्ध करेंगे इसे नापेक्षित यानी कि आद्य सीव अधिकरण से फलम उपसंहर दी अधिक विवक्षया, आद्य जो अधिकरण था उसी का फल को यहाँ उपसंहार कर रहे हैं कुछ अधिक की विवक्षा करते हुए। अधिक विवक्षा क्या है ये विपरीत क्रम से थोड़ा अंतर करना कि वहां था कर्मांग ज्ञान कह रहे थे, यहाँ कुछ अधिक विवक्षा ये कि ज्ञानांग भी कर्म नहीं होता मोक्षोत्पत्ति का दृष्टि से, इतना अधिकता को ध्यान में रखते हुए उपसंहार समझना है। और वैसे असली बात यदि विद्या की उत्पत्ति के लिए आपको सर्वापेक्षा शम दम अंतरंग कर्म बहिरंग कर्म यज्ञ दान तप सब कुछ जरूरत है विद्या की उत्पत्ति, निष्काम भाव से करना पड़ेगा, सारी चीजें निष्काम भाव से करेंगे तभी विद्या उत्पन्न होती है। किंचित भी कामना रखा तो विद्या लक्ष्य नहीं रह गया तो विद्या कैसे उत्पन्न होगा, जो कामना लेके चलो यहां कामना करो तो विद्या की कामना, मोक्ष की कामना करो, आत्मानुभूति की कामना करो, उसको लक्ष्य बना करके किया सारे यज्ञ विद्वान तब जो है वो अंतकरण शुद्धि द्वारा विद्या की उत्पत्ति कर देगी। और शमदमारी वो अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन है, बहिरंग अंतरंग उभय प्रकार साधनों की सभीयों की अपेक्षा है, इसको कितना अधिकरण आरंभ होता है सर्वापेक्षा अधिकरणम, प्रसंग संगत क्या ही लेना इसको सर्वापेक्षा अधिकरणम।
सर्वापेक्षा यज्ञ श्रुते रावशवत किस पर पहले यज्ञ अधिकरण सा उत्पत्तौवन अपेक्षेयम् उत कर्माण्यपेक्षते फले यथा अनपेक्षैवम् उत्पत्तौवन अपेक्षता यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम् विद्या जन्म श्रुति द्वयात् हले अनपेक्षितोप्यश्वो रथेयद्वदपेक्षते। या पूर्वाधिकरण के ऊपर आक्षेप भी कर सकते हैं आप इस अधिकरण में, जो पूर्व पक्ष युक्ति देगा जिस तरह फलोत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा नहीं तो विद्यापत्ति में भी कर्म की अपेक्षा नहीं है, ऐसा आक्षेप कर देगा। तो आक्षेप संबंध से भी आप अगला अधिकरण का संबंध जोड़ सकते हैं। हाँ, तो एक ही विषय प्रकार चल रहा है, फलोत्पत्ति में अपेक्षा था या नहीं था, तो विद्योत्पत्ति में भी अपेक्षा है या नहीं, ये विचार प्रसंग वशात आरंभ हुआ है, अतएव प्रसंग संगति भी मानी जाती है। सर्वापेक्षाधिकरण में उत्पत्तौवन अपेक्षायम् उत कर्माणि अपेक्षते, कर्माणि विद्योत्पत्तो अपेक्षा अस्ति नास्ति वा, पूर्वपक्ष नास्ति सीधे बोल दो, कर्माणि न अपेक्षते उत अपेक्षा अस्ति, पहला अनपेक्षा है ना, अनपेक्षे अनपेक्षायम् उत अपेक्षते किम कर्माणि कस्मिन् उत्पत्तौ, मैंने विद्योत्पत्ति तात्पर्य विद्या समझ लेना, विद्योत्पत्ति में भी कर्मों की अपेक्षा नहीं है अथवा है। पूर्व पक्ष कहता है यथा फले अनपेक्षा, या फल में जिस प्रकार से अपने कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है तो विद्या की उत्पत्ति में भी अनपेक्षता। सिद्धांत कहता है नहीं नहीं, यज्ञ शांत्याज सापेक्षम, शांति से शमन, शमदम दीक्षा सूत्र है ना, ये बृहदारण्यक का मंत्र है, शमद दीक्षा पर दीक्षा छड़, और यज्ञ यज्ञ निदान तपसा ये भी बृहदारण्यक में आया हुआ है, दोनों में कर्ण शब्द भावड़ी भी है, कर्ण है ना यज्ञ निदान तृतीयांश है, संबंध बोध भी कर रहा है साध्य साधन भाव, इसीलिए यज्ञ मैंने यज्ञ निदान कर्मणा और शमादि को शांति आदि की अपेक्षा किसमें है, लेकिन विद्या जन्मो, विद्या का जन्म इनकी अपेक्षा है, श्रुति द्वयात अलग दो शब्दों की अलग दृष्टांत है। जैसा देखिए घोड़ा है, हल जोतने के लिए घोड़े की अपेक्षा नहीं है, इसका मेरे की उसकी अपेक्षा कहीं भी नहीं है संसार, किसी भी काम के लिए नहीं है इसकी अपेक्षा, ऐसा नहीं कहना है, अन्यत्र रथ में उसको जोतकर काम दिया जाता है, संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो किसी काम के होता ही नहीं हो। अरे बोलकर डांट कर गए तुम किसी काम के नहीं हो, डांट दिया जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि फालतू ही है, बिल्कुल जन्म ही पाल तो जीवन ही पाल तो ऐसा नहीं है, और कुछ भी नहीं तो संसार में जो होता है ना संतुलन बनाने के लिए संख्या की जरूरत होती है ना, तो उसके लिए पूरा हो जाएगा, उसका चिंता रहने से संतुलन बना, एक जीव है ना वो आदमी घूम रहा है, एक जीवा तो घूम रहा है, दो चार रोटी खाता है ना वो, कोई उसे एक संतुलन बना हुआ है, फिर उतना खाने वाले में तो अभाव हो जाएगा, वो खा रहा है, वो तो खा रहा है जी रहा है, इससे संतुलन बन जाता है, तो कुछ नहीं तो इतना प्रयोजन तो है ही, प्रकृति का संतुलनार्थ जन्म मरण तो हो रहा है, इसलिए कहते कि भाई बिल्कुल ही व्यर्थ है ऐसा संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, देखो इसका में एक में अपेक्षा नहीं है तो उसको कहीं भी अपेक्षा नहीं कर सकते आप, ये तात्पर्य आते हो एकत्र अनपेक्षित वस्तु अन्यत्र सापेक्ष होने में कोई आपत्ति नहीं, घोड़े के समान दृष्टान दिया, ऐसे हल लगाने में इसकी अपेक्षा न होने पर भी, खेती करने में इसकी अपेक्षा न होने पर भी, रथादि के साथ जोत करके जो है युद्धादि में या यात्रा आदि में उसका अत्यंत उपयोग देखने को मिलता है, तद्वत कर्म भी यहाँ पर समझो, भले फल मोक्ष की उत्पत्ति में उसकी कोई अपेक्षा नहीं है किंतु विद्या की उत्पत्ति में उसकी पूर्ण अपेक्षा है। सर्वापेक्षाधिकरण आरंभ होता है, इसका पहला सूत्र है सर्वापेक्षा जिज्ञास अश्वत, सर्वापेक्षा विद्योत्पत्ति में सारे चीजों की अपेक्षा है, जितना नियम अपने ऊपर लागू कर सको, जितनी शक्ति से उसका पालन कर सके वो सारा चीज की अपेक्षा है, कर्म भी उपासना, इसे सर्व कह दिया, ये नहीं कि केवल उपासना ले लोगे आप, अरे ब्रह्म विद्यालय उपासना करते काम चलेगा, नहीं कर्म भी करना जरूरी है, इसलिए भगवान भी गीता में सेवया जोड़ दिया है ना, बहिरंग साधनों में सेवया जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, तो सेवा क्या चीज है, बिल्कुल शारीरिक बाह्य कर्म है वो, तो जोड़ने का मुख्य लक्ष्य यही है कि केवल उपासनाओं से भी सीधे ब्रह्म विद्या उत्पन्न करने की चेष्टा करो तो नहीं होने वाला है, कर्म सापेक्ष, इसलिए यहाँ
सर्वापेक्षा कर विज्ञान दान तपसा के आधार पर यज्ञादि श्रुते है दृष्टान अश्वत घोड़े के समान। इदम इदानीम चिंत्यते इस समय यह विचार आरंभ किया जा रहा है कि विद्या अविद्या अत्यंतमेव अनपेक्षा आश्रम कर्मणाम उत अस्तिकाचर अपेक्षा विद्या को अपना फल भूता मोक्षोत्पत्ति करने में है भले किसी अन्य की अपेक्षा है या नहीं है, आपने खंडन कर दिया किसी की अपेक्षा नहीं है, लेकिन विद्या को अपने स्वरूप सिद्धि के लिए किस चीज की अपेक्षा है या नहीं बताए, विद्या से होने वाला कार्य के लिए किसकी जरूरत नहीं है। जैसे बेटा पैदा हो जाए वो ऐसा समर्थ पैदा हो गया उसके पैदा होने के बाद उसको किसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो समर्थ है हमारे सारे चीज कर लिया उसने, उसके बाप की कौड़ी की भी जरूरत ना पड़े गलत जो है उसके पैदा होने के लिए तो जरूरत पड़े बाप की जरूरत पड़ी, फिर बच्चा कहां से पैदा हो गया उसके पैदा होने के लिए अपेक्षा है, लेकिन उससे होने वाला अन्य की चीजों के लिए उसके भले ही अपेक्षा हो या ना हो गलत बात बनती, दोनों बातें अलग अलग होता है। वस्तु के स्वरूप सिद्धि के लिए अपेक्षा होना और वस्तु के स्वरूप सिद्धि अनंतर उस वस्तु से उत्पन्न होने वाले वस्तुओं के प्रति अपेक्षा होना या न होना, कई बार अपेक्षा हो जाती है उसकी उत्पत्ति के बाद अपेक्षा होती है। अब बच्चा पैदा हो जाए तो उसे तरफ समर्थ थोड़ा हो जाएगा, अब उसको पढ़ाना पड़ता है लिखाना, जब तक नौकरी नहीं मिली और कई आजकल के जमाने में नौकरी में भी बाप को साथ देना पड़ता है, लड़की की अपनी अकल से योग्यता से नहीं मिलता नौकरियां, और बाप सिफारिश लगाता है नेता वेता को पकड़ता है पैसा खिलाता है कहीं कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ तब जाकर के नौकरियां मिल रही है। तो जब तक पूर्ण रूप तैरने पर नहीं खड़ा रहा तभी अपेक्षा है उसकी, जब उत्पत्ति मात्र में नहीं उत्तरदान कार्य में भी अपेक्षा पड़ता है, इसलिए संशय होता है यहां पर भी, यहां तो अपेक्षा कहीं भी नहीं है, ये भी हो सकता है न उत्पत्ति में अपेक्षा न उसी कार्य में अपेक्षा, यह सिद्धांत ही कहते नहीं नहीं एकत्र अपेक्षा न होने पर भी अन्यत्र की अपेक्षा जरूर है, यह सिद्धांत देना है। चिंतित क्यों विद्या अत्यंत अनपेक्षा, विद्या की अत्यंत अनपेक्षा माननी चाहिए, अथवा किम किसकी आश्रम कर्मों का, ब्रह्मचर्य आश्रम वाला है, कोई गृहस्थ आश्रम वाला है, कोई वानप्रस्थ वाला है, कोई संन्यास आश्रम वाला है, जो जिस आश्रम का है तब आश्रम विहित कर्मों का विद्या को अपने स्वरूप सिद्धि करने के लिए अपनी प्राकट्यता के लिए अपेक्षा नहीं है, अथवा अस्थि मन है काचित अपेक्षा किसी प्रकार की अपेक्षा है। तत्र अतएव अग्निमनादीन आश्रम कर्माण विद्या स्वार्थ सिद्ध न अपेक्षते एवं अत्यंतमेव अपेक्षायां प्राप्तायां इधर उच्च आगे ना, जिस प्रकार आपने कहा था विद्या के द्वारा स्व फल सिद्धि में आश्रम हित कर्मों का किसी भी प्रकार अग्नि ईंधन आदियों का किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार से हम कहते हैं विद्या के स्वयं की उत्पत्ति में भी नात्यंतम अपेक्षा बिल्कुल इसकी अपेक्षा ही नहीं, अनपेक्षायाम प्राप्तायाम इदम उच्यते सर्वापेक्षा च यज्ञ शर्ते अश्वत् अपेक्षति च विद्या सर्वाणी आश्रम कर्माणी नात्यंतम अनपेक्षा, विद्या जो है स्वस्वरूप सिद्धि के लिए समस्त कर्मों की आश्रम कर्मों की अपेक्षा जरूर रखती है, न अत्यंत अनपेक्षा अत्यंत अनपेक्षा नहीं कहा जा सकता। न वृद्धम इधम वचन अपेक्षते च आश्रम कर्माणी विद्या न अपेक्षते चाहिए, अगे ना पूर्व पक्ष को भी पकड़ में नहीं है, हम तो शुरू से आपको भूमिका बांध दी है स्वरोत्पत्ति स्वरूपोत्पत्ति में, लेकिन वो पूर्व पक्षी कहता है ये कैसी बात कर रहे हो, पूर्व वारिकरण में विद्या को किसी चीज की अपेक्षा नहीं और यह विद्या को अपेक्षा है, समझाओ क्या बात है, ऐसे विरुद्ध कैसे बोल रहे हो, सीधे सुनोगे तो ऐसे लगता है विद्या में अपेक्षा नहीं, विद्या में अपेक्षा है, किसके लिए वो बात तक कर नहीं रहा, विद्या को अपेक्षा नहीं इन चीजों की किसके लिए फलोत्पत्ति, और विद्या का अपेक्षा है किसके लिए अपने स्वरूप की प्राकृति, ये अंतर को नहीं ग्रहण करके पूर्व पक्ष को शंका डाल दिया, ये तो वृद्ध बात आप कह रहे हो, पूर्व आरिगण में आपने कहा विद्या को किसी की अपेक्षा नहीं है आश्रम कर्मों की और इधर का तो अपेक्षा है, तब सिद्धांत के नैत ब्रह्म, अरे भाई थोड़ा विभाग पूर्वक समझो इस बात को, उत्पन्न ही विद्या, विद्या उत्पन्न हो जाए उस होने के बाद में फल सिद्धि प्रति न किंचित अन्य अपेक्षा पूर्वाधिकरण के रहस्य, फलोत्पत्ति के लिए
वो विद्या उत्पन्न होने के पश्चात फलोत्पत्ति में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। जैसे आपने आंखों से देखा वो घट था, आप अयम घट ज्ञान उत्पन्न हो गया। इस अयम घट ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जो न्यायिक आदि लोग हैं अन्य लोग भी मानते हैं एक अनुव्यवसाय ज्ञान है ना, घटक ज्ञान वाला ज्ञातो घट मैंने इसको जान लिया, ये निश्चय करने के लिए क्या दोगा घट की अपेक्षा है या चक्षु की अपेक्षा है किसकी अपेक्षा है, बाई किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करती। जिन चीजों से ज्ञान पैदा हुआ उनमें से किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान का भी साक्षात्कार ज्ञान का भी जो फल होता अनुव्यवसाय ज्ञान जो न्यायिकों की भाषा में है वो उसकी उत्पत्ति में या ज्ञान प्रत्यक्ष वेदांत भाषा में ज्ञान का प्रत्यक्ष होने में अन्य बाह्य साधन की अपेक्षा। इसी बात को ध्यान दे रहे उत्पन्न ही विद्या क्षेत्री फल सिद्धियों प्रति न किंचित अन्य अपेक्षते, ये हमारे पूर्वाधिकरण का राशि था उत्पत्ति प्रति तो अनुत्पन्न विद्या है और स्वाद उत्पत्ति के लिए तो अपेक्षा वात कर्मों की अपेक्षा। विद्या स्वयं की उत्पत्ति कर लेने में कर्मों की अपेक्षा रखती है, लेकिन स्वयं के उत्पन्न होने के पश्चात फलभूत मोक्ष की उत्पत्ति या साक्षात्कार के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखती। कुतः यज्ञादि श्रुते है, यह निष्कर्ष आपने कहां से निकाल दिया, कद यज्ञादि श्रुते है यज्ञादि जो श्रुति है यज्ञ निदान्त पसते जो मंत्र है यही प्रमाण है। इसमें स्वोत्पत्ति के लिए जरूरत है, स्वार्थोत्पत्ति में जरूरत नहीं है। तदा श्रुति तम एतम वेदार वचन ब्राह्मणा विविशंधी ब्रह्मणा हो गया ब्राह्मणा विविशंधी यज्ञ दान तपसा अनाशकेना, इसको दीर्घ बनाना पड़ेगा, ब्राह्मणा होनी चाहिए। अच्छा तम एतम वह जो आत्मा है उसके बारे में वेदान वचनेना वेद के वचनों की तरह सुनने के बाद सुना अग्न ब्रह्म नाम का वस्तु है वही मैं हूं, अनुभव कैसे करूं उसको ब्राह्मणा विविधिशंधी उसको अनुभव पूर्वक जानने की इच्छा से यज्ञ निदान तपसा नाश जनि यज्ञाजन विद्या साधन भाव दर्शयति, ज्ञानियों को विद्या के प्रति साधनत्व का कथन किया हुआ है। विविदिशा संयोगा क्लेश उत्पत्ति साधन भाव अवश्यत है, विविदिशा का संयोग को देखते हुए इन यज्ञादियों में उत्पत्ति का साधन भाव हम स्वीकार करते हैं। आदय यज्ञ चक्षते ब्रह्मचर्य इत्यादर्ज विद्या साधन भूत ब्रह्मचर्य यज्ञाद संस्थावाद यज्ञादीनाम साधन भाव सूचक है। इतने ने यज्ञ के द्वारा ब्रह्मचर्य का स्तुति किया और ब्रह्मचर्य क्या है ब्रह्म विद्या का मुख्य साधन, उस साधन की जो स्तुति है वो साधन से तो की जाएगी है, साधन की स्तुति साधन से, साध्य की स्तुति दूसरी साध्य से की जाती है। स्वर्ग की अपेक्षा से ये लोग ज्यादा श्रेष्ठ है, पर एक लोग को दूसरे लोग से है ना, ये नहीं कह सकते हमारा मकान स्वर्ग लोग से श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं, उल्टा का मत करो। जब ये भवन है ये लोग है, लेकिन उसकी तुलना यहां करना इसकी तुलना उधर नहीं करना है, उत्कृष्ट का निकृष्ट में दृष्टि दिखाना। इसलिए यज्ञ यदि किसी का साधन ना होता उसके अंदर ब्रह्मचर्य की स्तुति कैसे करते हैं आप, अतएव यज्ञ में साधन तो भी सिद्ध कर दिया इस स्तुति ने, यज्ञ रूपी साधन के द्वारा ब्रह्मचर्य रूपी साधन का आपने स्तुति किया है, इसे संसूचित हो गया सब प्रकार से बोधित हो रहा है कि उस ब्रह्म विद्या के प्रति यज्ञ भी साधन वह करा था या अतः यज्ञ इत्याचक्षत है ब्रह्मचर्य में बतो इत दर्शा। इसमें शांतिक परिषद में विद्या का साधन बुद्ध ब्रह्मचर्य का यज्ञादि जो संस्कृति है वह ज्ञापन क्या कर रहा है, यज्ञादियां भी इनमें यज्ञादियों के अंदर में भी साधन भाव को सूचित कर रहा है। सर्व वेदा पदमावंती तपान सर्वाण की यज्ञ वदंती यदि छंदो ब्रह्मचर्य चलंती तथ्य पदम संग्रहण पर भी मी ओ तथ्या। इसलिए अत्यंत आवश्यक हो गया अप्रिय उत्पत्ति के लिए आश्रम कर्मों की अपेक्षा मानना पड़ेगा। इसमें अनेकों स्मृतियां भी प्रमाण है, अविद्या मृत्यु कृत्वा विद्या अमृतम अश्रुति श्रुति है, और स्मृति भी ज्ञान उत्पदित पुंसाम क्षयात्पस्य कर्मणा
कषाय कर्म विपक्वे तथो ज्ञान प्रवर्तते। ये सब स्मृति ये भी प्रमाण दे रहा है यहाँ पर। सर्ववेदायत्र नावनती तपा सर्वाण की वदंती है। देखो सारे जो है समस्त वेद जिस पद का जिस लक्ष्य भूता साध्य भूता वस्तु का कथन कर रहे हैं और समस्त तपों का भी जो फल रूपेण कथन किया जा रहा है जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्य लोग पालन करते हैं उस पद को मैं तो संग्रह संक्षेप कथन करूंगा ऐसे बोल करके कठोपनिषद में कथन हुआ। इत्यम आद्या च श्रुति आश्रम कर्म नाम इत्या साधन भाव सूचिती इत्यादि जो है श्रुति आश्रम कर्मों का विद्या के साधन भाव सूचित कर दिया। स्मृति कषाय पक्ति कर्माणी ज्ञानंत परमागति कषाय कर्म ही पक्वी तो ज्ञानम प्रवर्तते। कषाय यह कर्म से पकते हैं और ज्ञान का फल क्या होता है परमागति है। और कषाय का कर्मों के द्वारा कषाय के परिपक्व होने पर ही ज्ञान की प्रवृत्ति हो पाती है उसके बिना नहीं। अर्थ क्या कर्म क्षय कषाय क्षय के लिए कर्म अपेक्षा और कषाय क्षय के बिना ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए कषाय क्षय कषाय क्षय के लिए कर्म और जो कर्म ज्ञान के लिए उपयोग हुआ कि नहीं हुआ परंपरा इत्यम्माद्या अश्वदिति दृष्टांत दे रहा है। योग्यता निदर्शन यह योग्यता का दृष्टांत है। अश्व में भी एक के प्रति योग्यता न भी हो दूसरे के प्रति योग्यता है। यथाच योग्यता वशेन अश्वो न लांगलाकर्षण युज्यते जैसे योग्यता के वजह से घोड़े से कोई खेती में हल जोतता नहीं है। रथ चर्यायाम युज्यते लेकिन उसकी सामर्थ्य ऐसा है रथ का जो है खींच के लिए चलने में यात्रा आदि में उपयोगी होता है। एवं आश्रम कर्माण विद्या फल सिद्धो नापिच्छन्ते इसी तरह से आश्रम कर्म भी विद्या के फलोत्पत्ति करने में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। उत्पत्तौ च अपेक्षन्ते उत्पत्ति में उनकी अपेक्षा जरूर है। श्रमदमाद्युपेतस्या तथा विदेहे तदंगतया तेषां अवश्य अनुष्ठेयत्वा एक देशी शंका करते हैं महाराज कर्म को क्यों घसीट रहे हो हमें क्यों बोलते कर्म करने को छोड़ना चाहते हैं हम तो सीधा आश्रम दम चितिक्षा करेंगे इसी से सिद्ध ब्रह्म विद्या हो जाएगा कोई कर्म की जरूरत नहीं। एक गुरु गुरु सेवा बड़ा टंटेबाजी है गुरु से दूर रहना ठीक लफड़ाई है। ये कर्म करो मत कर्म का उपदेश मत सीधे केवल उपासना पता कर दो शमदमारी करो उससे युक्त होने से सीधा ब्रह्म विद्या हो जाएगी ऐसे ही मानना चाहिए। एक आलसी छेड़े लोगों का अपना वेदांतियों का अपना विचार है तब सिद्धांत कहते नहीं ऐसा मत कहो तद विदेह यदि ऐसा ही होता ना श्रुति विधि क्यों करती है ज्ञान दान का प्रसार है श्रुति विधि कर रही है तो मानना चाहिए इसकी अपेक्षा है। केवल बाहर रह करके खा पी के जो है पाठ में आया चला गया उससे कुछ नहीं होने वाला है थोड़ा वो सेवा भाव रखनी चाहिए कर्म करना स्वकर्म स्वाश्रम कर्म क्या है आपके ब्रह्मचर्य आश्रम कर्म आप समझिए जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचर्य आश्रम कर्म समझे गृहस्थी तो है नहीं कोई शायद यहाँ गृहस्थ आश्रम वाले हो तो वो अपना समझे यदि है तो और वानप्रस्थी अपना समझे यदि वानप्रस्थी होकर आया हुआ है शादी सुविधा था सब छोड़ छाड़ करके आया ब्रह्म विद्या पाने के लिए तो फिर वो अपना वो समझे और जो संन्यास ले चुके हैं विदुषु संन्यासी है वो भी अपना समझे कर्तव्य कर्तव्य को अपने आश्रम कर्म को जरूर करनी चाहिए और साथ साथ जो है तो पास करें तब जाकर के विद्या उत्पन्न हो सकती है। शमदमाली उपेत पूर्व पक्षी कहता है शमदमाली उपयुक्त हो से ही सीधा प्रवृत्ति हो जाएगा कर्म और कटाओ आश्रम कर्म की कोई जरूरत नहीं तू पूर्व पक्ष नहीं नहीं ऐसे मत कहो भाई तथा ऐसा तुम्हारा सोचना ठीक है लेकिन तो उनकी ही विधि है लेकिन अंतर समझो दोनों विधियों में फिर विरोध हो जाएगा एक तो अंतर्मुख करने वाले बहिर्मुख करने वाला कत्य हाँ तब ऐसे विरोध में समझो वो अंतरंग साधन ही साधन भेज और अब आपको समझना पड़ेगा बहिरंग साधन कितना अपराना है अंतरंग साधन को कितना अपराना है महत्व देना है अंतरंग साधनों को लेकिन बहिरंग साधन की उपेक्षा नहीं कर सकते उसकी भी अल्प मात्रा में आवश्यकता के अनुसार आपको करना पड़ेगा आपके अपरिचित वृत्तियों से आपको पता चलेगा हमें कौन से साधन को कितना करना पड़ेगा जैसे कईयों का अपना सामर्थ्य के ऊपर है अब यहाँ से चले जाएंगे टैक्सी से दिल्ली तक और वहां से ट्रेन में जा रहे हैं अपने सामर्थ्य यहाँ से वहां से जाने के और टैक्सी दे पाता है वहां से तो एसी में चला जाएगा लेकिन प्लेन की दम नहीं उसके
एसी की टिकट का ताकत था, यहां से गया टैक्सी में वहां गया वो एसी बुक करके चला। और दूसरा वो होता है उसकी सामर्थ्य ऐसा है कि यहां से गया टैक्सी में सीधे रोटरो प्लेन से उड़ गया, उसका अलग सामर्थ्य। और ऐसे भी हैं हम लोग आप लोग जैसे बसों में धक्के खा के दिल्ली पहुंचेंगे, वहां से सेकंड क्लास से आगे जाएंगे और क्या करें, है ना। अब अपना अपना सामर्थ्य आपको समझना पड़ेगा, हमारे क्या योग्यता है, जेब कितना हिसाब किताब है, उस हिसाब से व्यवस्था कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही, ये भी साधन है ना, साधनों को अपनाने से पहले अपने अंतकरण टटोल के देखना पड़ेगा हमारे अंदर कितना मन कचरा पड़ी पड़ा है, क्या कितना मन हमारी स्वाध्याय में लग रहा है, जप तप में लग रहा है, ध्यान लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसी हिसाब से कितना कौन सा अंतरंग कर्म को हमें अपनाना है, कौन से बहिरंग कर्म को कितना अपनाना है। ये साधनों को अपनाने से पहले अपने आप को अपने थर्मामीटर से समझना पड़ेगा, बाहर दूसरा कोई बता नहीं सकता, कि जिससे जो भी आपसे पूछेगा आप उसको झूठ बोल देते हो ना, समस्या तो ये मनो मन ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया प्रसन्न है, बाहर से प्रसन्न बोल देता और अंदर से दुखी दुखी रहता है, क्या करे आजकल, उसको क्या साधन बताओगे, क्या साधन बताएंगे। अब साधन बताना है तो डॉक्टर के पास आप जाओ, और कोई बीमारी ना बताओ क्या करेगा वो, अरे जितनी बीमारी बताओगे उसी हिसाब से तो दवाई देगा, और छिपाओगे कोई बात डॉक्टर का क्या दोष है, आपको खुजली अलग गलत जगह भी हो रहा है, अब बोलोगे नहीं शर्म के मारे तो दवाई कहां से मिली, आपके मारे जहां खुजली हो रही ठीक है वहां की खुजली का दवाई दे देगा, अब वहां दूसरे जगह की दवाई उस दवाई से दूर रोग दूर ना हो उसे क्या दोष है, अरे यहां की खुजली अलग होता है वो उधर जो होता है दांत बोलते उसकी अलग होता है, दोनों की दवाई अलग है ना, तो उसी हिसाब से यहां पर गुरु भी एक डॉक्टर जैसा है, अब उसके जाओगे कुछ बोलोगे ही नहीं, अपनी सारी बात बताओगे तो मैं अपने मन की अवस्था बतानी पड़ेगी, भाई ध्यान होता है नहीं होता है, जप होता है नहीं होता है, पढ़ाई करते उसे मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आती है कि नहीं आती है, कुछ नहीं बताओगे तो क्या पता चलता है। और जो पढ़ाए जा रहा हूं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, अब पता नहीं किसको कितना अकड़ में गई नहीं गई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें तो कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आता किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है, क्यों सब बात जो करते हैं अपने आप ये मान के चलते बिल्कुल हम परफेक्ट हमारा अंतकरण बिल्कुल शुद्ध है, हम बिल्कुल योग्य अधिकारी है ब्रह्म ज्ञान के, और आप ये जाओ और आप सीधा मुक्त हो जाए, तो ठीक है भाई लिए जाओ हमारा क्या बिगड़ रहा है, लेकिन कहां तक अनुभव कर पाएंगे आप उसको नहीं कर पाएंगे तो आप बीमारी, इसे यहां पर शास्त्रकार कहते हैं पूर्व पक्ष भले कहेगा क्षमता में केवल से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं नहीं तद विदेश तदंगत्या श्रुति समझ रही है, हर व्यक्ति समान रूप में इसके अधिकारी हो नहीं सकता है, हर व्यक्ति स्थिति का पहुंचा हुआ नहीं है कि सुनना उसको काम हो गया, इतना सुनने की भी क्या जरूरत है, हम ब्रह्मा से कितने बार बोल चुका हूं सुना नहीं क्या आपने, कितने बार बोल चुके हैं, और चांदो प्रतिशत पढ़ाते कम से 9 बार तो बोल दिया, तब तो मैं फिर किसको क्या होगा फर्क पड़ा कुछ कुछ नहीं अब बताओ, तो इसका मतलब क्या है, आपके और अंतरंग साधनों भी अभी परिपक्व नहीं है, बहिरंग साधन में भी कुछ कमी होगी, इसे कौन सी बहिरंग साधन अपनाना है ये आपको सोचना पड़ेगा, कौन सा अंतरंग साधन अपनाना ही सोचना पड़ेगा। यहां तो बिल्कुल जैसे हमने बताया पहले ही, आपने एक डायरी मेंटेन करो, आप बोलना नहीं चाहते हो ईमानदारी से लिखो, मुख्य चीज है ईमानदारी उसमें होनी चाहिए, आप अपने को मत ठगिए, और गुरु को ठगने के चक्कर में अपने आप को ठग ले रहे हो, वास्तव में गुरु को क्या बिगड़ता है, मार्गदर्शक को कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता आपका अपना है। अब डॉक्टर लोग कहते हैं वो 4 बार आते थर्मामीटर लगाते हैं, क्यों नर्स जो होती है अस्पताल में और गलत लिखती रही तो डॉक्टर क्या करे, वो ईमानदारी से काम करती है तो बड़ा भाग्य की बात है, आज भी इतनी ईमानदारी है और नर्स लोग इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं करते, बड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, नहीं तो वो ईमानदारी से लिख दे जिसका इतना था टेम्परेचर सुबह इतना दोपहर इतना शाम को, डॉक्टर बस उसी रिपोर्ट पर तो सब बोलता है इलाज करता है, इसे आप भी अपना रिपोर्ट सही लिखेंगे ईमानदारी से तब आप बोलो नहीं उस रिपोर्ट को देख के तो हम समझ लेंगे भाई इसका ये स्थिति है, इसके मन की ये स्थिति है, 24 घंटे इतना सात्विक वृत्ति हुआ, इतना रजोगुण हुआ, इतना तमोगुण हुआ, अब इसको क्या इलाज बताई जाए तब सोची जाए, और कुछ नहीं करेगा तो कैसे पता चले, इसलिए सब जरूरत है, बहिरंग होता आप यज्ञ आदि भी जरूरत है, आश्रम कर्म और अंतरंग क्षमता में भी
सब जोड़ते से तद विदेह है तद अंगत या तेषाम अवशनुष्ठेयत्वात् विद्या का अंग रूपेण उन अंतरंग बहिरंग समस्त साधनों को अवश्य ही अनुष्ठेय समझना चाहिए अवश्य अनुष्ठेय। यदि कश्चित मन्यता यदि कश्चित का देश जान करके एक देशी बोल रहा है ना, यदि कोई ऐसा मानता है क्या यज्ञादी ना विद्या साधन भाव न न्याय विद्यभाव कहता है यज्ञादियों को विधि का साधन मानना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा कोई विधि नहीं। और जो अब मंत्र दिखाए उसे लट लगाए यज्ञ न दाने न तपसा विविधि शांति बोला है ना, विविधि शांति लट लगा रहे विधि लिंगा है इतिवन जाति के श्रुति अनुवाद स्वरूपा विद्या अविष्ठो परा वो तो अनुवाद रूपा है विद्या का स्थिति करने के लिए न यज्ञादि विधि परा यज्ञादि के विधि पर उनको नहीं मानना। इत्तम महाभागा विद्या यज्ञ यद विद्यादि भेद के ताम अवाप्त इस तरह से विद्या की स्तुति है स्तुति का स्वरूप बता रही है स्तुति का अभिनय जो कहते हैं स्तुति का अभिनय कर दिखा रहे कैसे स्तुति कर रही है वाक्य ये बता रही है। इत्तम महाभाग विद्या देखो ये विद्या इतनी महान है कि दुनिया में लोग यज्ञ आदि के द्वारा इसको प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से विद्या की स्तुति की जा रही है इन मंत्रों से विधि नहीं है तब सिद्धांत कहते नहीं भाई ऐसे मत कहो तथापि तो यद्यपि देखने में स्तुत्यर्ता लग रही है फिर भी शमदमाद्युपेत विद्यार्थी ये भी पूर्व पक्षी बोल रहा थी फिर भी क्या करना है शमदमादि से युक्त मात्र को विद्या विद्याकार्थी जो है केवल शमदमादि से युक्त होनी चाहिए क्यों यहाँ विधि दिख रहा है तस्माद विच्छांत उदांत प्रशिक्षो समय आत्मनिव आत्मान पश्यती अन्य पश्चेत करके है ना इसरो पकड़ रहा है इसको इति विद्या साधन शमदमादिना विधानात विधान अवश्य निष्ठेता इस तरह से विषय शमदमादिया जो विधिया है इनका विधान होने से विहितों का अवश्य अनुष्ठान करनी चाहिए फिर इतने बात से काम चलेगा। ननु अत्रापि शमाद्युपेत भूत्वा पश्यति की वर्तमान उपदेश पूर्व पक्षी फिर उसे एक देश के जवाब कह रहा है मुख्य सिद्धांत बाद में बोलेगा कहता है देखिए फिर भी शमाद्युपेतो भूत्वा समाधि से युक्त होकर के पश्यति ये जो वहां पर है वो वर्तमान उपदेशी है न विधि आपसे शुरू करता है ऐसे मत कहो क्यों तस्माद एवं विच्छांत तस्माद है ना वहां पर यज्ञादि अनपेक्षायाम अपि यदि आप ये भी रट लो बोले शुरू में कह रहे सिद्धांत यज्ञादि की अपेक्षा नहीं है कहोगे तो भी समाधि नहीं अपेक्षित समाधि तो अवश्य भावी और आगे कहते यज्ञादि टूपी अपेक्षित यज्ञ छोड़ते उसी प्रकार से यज्ञादियों को विद्या की उत्पत्ति में अपेक्षा अवश्य मानना चाहिए क्यों यज्ञ छोड़ते तो फिर पूर्व पक्ष उठेगा जवाब अच्छा कल कर लेंगे तो ओम शांति।